वेलकम टू अवध गुरु ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम सीखने वाले हैं पेन प्रोग्राम को अपने लैपटॉप या फिर पीसी में किस प्रकार से ओपन करें और साथ ही साथ उसके विंडो के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी के सबसे पहले स्टार्ट आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइप हियर टू सर्च में सर्च करेंगे पेंट। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन पेंट का ही आएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये हमको पेंट प्रोग्राम पे डायरेक्ट पहुँचा देगा। ये पहला विंडो है टाइटल बार। टाइटल बार में हमको ये शो होता है कि हम किस प्रोग्राम और किस फाइल पर काम कर रहे हैं। तो जैसा हमारा यहाँ पे शो हो रहा है पेंट प्रोग्राम है अनटाइटल। अभी हमने अपने फाइल को कोई भी नाम नहीं दिया, इस वजह से ये अनटाइटल है। इसके बाद आते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में। तो दोस्तों, इसके नाम से ही पता चलता है कि हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर जितने भी कमांड दिख रहे हैं इसको हम यहाँ पे शो और हाइड कर सकते हैं। जैसा कि सेव अभी हमारा शो हो रहा है, इसको हम हाइड कर देंगे। उसके बाद ओपन को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रकार के कमांड हैं इनको शो और हाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइल मेन्यू। तो दोस्तों, फाइल मेन्यू के अंतर्गत हमारे इतने सारे कमांड आते हैं, जैसा कि न्यू हो गया, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेंड इन ईमेल, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट पेंट या फिर एग्जिट। यहाँ पे एग्जिट पे हम करेंगे तो हम अपने प्रोग्राम से एग्जिट भी हो जाएंगे। उसके बाद आता है होम टैब। तो दोस्तों, ये हमारे जितने भी दिख रहे हैं ये सब कमांड, ये सब होम टैब के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है व्यू टैब। व्यू टैब में हमारे ये सब कमांड आते हैं, जूम इन, जूम आउट, ये सब रूलर, गाइडलाइन, ग्रिड लाइंस, स्टेटर बार, फुल स्क्रीन, थंबनेल, ये सब हमारे व्यू टैब के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है ड्राइंग एरिया, जिस पर हम अपना कोई भी डिजाइन या फिर लोगो एडिट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट साइड में नीचे हमको मिल जाता है जूम, जिससे हम अपने फाइल को अपने हिसाब से जूम करके देखते हैं। इसके बाद आते हैं हम स्क्रॉल बार पे। यहाँ पे हमारे पास दो स्क्रॉल बार हैं, एक राइट साइड में है, एक नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।